सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग एग्जाम डेट को लेकर के कमेंट कर रहे थे कि मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि यूपी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यूपी में सभी स्कूल कॉलेज यूपी सरकार के द्वारा 22 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज एक बार फिर कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब आपके यूपी में सभी स्कूल कॉलेज मल्टीप्लेक्स 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे और जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सभी स्थगित हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के सभी स्कूल कॉलेज और मल्टीप्लेक्स 2 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। मंगलवार को यानी कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेजों में चल रही परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के धार्मिक गुरुओं से अपील करेगी कि वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों तथा गिरजाघरों में भी भीड़ को रोकें। इसके साथ ही प्रदेश में धरना प्रदर्शन पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज 2 अप्रैल 2020 तक बंद। इसके अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाएं भी स्थगित। जो परीक्षाएं हो रही हैं वह भी स्थगित हो गई। अब बीईओ की परीक्षा जो कि 22 मार्च को होनी थी वो भी स्थगित हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी स्कूल 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे, परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया, सभी सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स भी 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज मैंने पहले भी बताया, वही चीज आप फिर यहाँ पर भी वही चीज रिपीट हो रही है। तो दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर प्रदेश में सभी तरीके के धरना प्रदर्शन पर भी रोक लग गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज मैं कह सकती हूँ अब कि जब आप लोगों का एग्जाम है अब यहाँ पर होने की संभावना यानी कि मार्च में अब होने की संभावना बिल्कुल नहीं रह गई है और अब आप लोग की जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल में ही होंगी। दोस्तों पीएनपी की तरफ से यानी कि पीएनपी सचिव जो अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं उनका कहना था कि अभी जैसे ही शासन की तरफ से कोई आदेश आता है इस तरीके का कि स्कूल कॉलेज या स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे 22 मार्च के बाद भी तो हम परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कैबिनेट के फैसले में ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे 2 अप्रैल तक। तो इस तरीके से आपकी परीक्षा होना अब असंभव है। आप लोग पीएनपी का जब तक कोई कंफर्म अपडेट नहीं आ जाता है तब तक आप वेट करिए। दोस्तों पीएनपी की तरफ से जैसे ही कोई अपडेट आती है यानी कि पीएनपी की तरफ से जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आती है आप लोग के एग्जाम के टलने के संबंध में हम सबसे पहले आपको न्यूज देंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोज बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक हमारे जितने भी डीएलएड के भाई बहन हैं उनको पता चल सके कि अब एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल कम रह गई है और पीएनपी की तरफ से जल्द अपडेट्स आनी है यहाँ पर इसको लेकर के। आप लगातार आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल लेकर के आ रहे हैं अपने चैनल पर, चाहे आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है जैसे कि बाल विकास विषय को कैसे पढ़ना है, शिक्षण विषय को किस तरीके से पढ़ना है कि आपके सभी सब्जेक्ट आसानी से कवर हो जाएं और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, इस तरीके से हमने अपने चैनल पर इतना स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया है कि अगर आप उतना ही पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। दोस्तों हम लोगों ने अपने चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, चाहे आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हो, आप सभी लोगों को पवन सीरीज, राजन सीरीज टोटल हम लोगों ने सॉल्व करवा दिया है, चाहे वह विकल्पीय हो, अति लघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी कंप्लीट सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने सीरीज नहीं लिया है तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर आप कंप्लीट सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर और हमने इतना आसान बना दिया है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। एक ही प्लेलिस्ट की लिंक आप क्लिक करेंगे उस पर तो आपको उस सब्जेक्ट की सभी वीडियोस मिल जाएंगी और आप आसानी से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी वीडियोस को समझेंगे भी बहुत ही अच्छे से क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके हर एक क्वेश्चन को समझा करके आपको पढ़ाया है और अगर आप समझ करके जाएंगे तो आप एग्जाम तक भूलेंगे भी नहीं, एग्जाम में बढ़िया से उस क्वेश्चन को लिख के आएंगे और अगर आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे तो एग्जाम का रिजल्ट भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए,
हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, और जहां कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम है आप हमसे बताइए, हम आपके सभी डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी वीडियोस, जितने भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक है, वो सभी भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप आसानी से सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। और आपको दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा जिस तरीके से हमने यहाँ पर अपने चैनल पर सभी वीडियोस को बनाया है। आप लोग सभी जितनी भी वीडियोस है सब बहुत ही यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए, आप सभी को देखिए, आप देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ आपने आपको बहुत अच्छा लगेगा सभी स्टडी मटेरियल, आप लगातार ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हमारे चैनल से। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, और जैसे ही पीएनपी की अपडेट आती है सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे, तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। पीएनपी की अपडेट्स का वेट है दोस्तों, जैसे ही आती है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे और वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको हम वो न्यूज देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।